जिस घर से मुझे और मेरी माँ को धक्के मार मार कर निकलवाया था, आज मैं तुम्हें उसी घर से निकाल रहा हूं विमला अग्रवाल। सामान उठाओ और निकलो यहां से। सुना नहीं? सामान उठाओ और निकलो यहां से। ओ बेटा, ये बुढ़िया तो गई आज। माइंड ना करिएगा, अगर इस घर में जगह बनाकर रखनी है तो इस यश को वश में रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं जाएंगे आप। राम प्रसाद, इसे और इस सामान को उठाकर बाहर फेंको। हिम्मत होने दो साहिल। वही दिखा। यश का हक दिलाने में मैंने उसका साथ जरूर दिया, पर किसी को बेघर करना, इसमें मैं साथ नहीं दूंगी। तुम्हारी बड़ी अम्मा है ये साहिल। बड़ी माँ इस घर की सबसे बड़ी है। ये माँ समान है ये तुम्हारी, और एक बेटे का फर्ज होता है कि वो अपनी माँ की रक्षा करे, उसका सहारा बने, चाहे फिर उसने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो। तुम अपनी बड़ी अम्मा को घर से बेघर कैसे होने दे सकते हो? अपना जुर्म छुपाने के लिए उन्होंने झूठ बोला, पर आज तक तुम्हें या तुम्हारे परिवार में से किसी को भी किसी भी किस्म की कमी महसूस होने दी उन्होंने? बचपन में तुम्हारा हाथ थामा, तुम्हें अपना बेटा बनाया उन्होंने। स्कूल में, घर में, बाहर की दुनिया के लिए माँ का फर्ज निभाया उन्होंने बहुत अच्छी तरह से। और जब तुम्हारी बारी आई तो तुम मुंह कैसे मोड़ सकते हो? तुम इसका साथ दे रही हो वेदिका, ये जानते हुए कि इसने मेरी माँ के साथ कितनी नाइंसाफी की? उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया यश, वो तुम्हारे और उनके बीच है। मैं उनके बेटे को उसका फर्ज निभाने के लिए कह रही हूँ। साहिल, जिसने हमेशा तुम्हें सहारा दिया, उसे सहारा देने के लिए कह रही हूँ। तुम्हारे दिल में बहुत प्यार है साहिल, अपने दिल से फैसला लो। उन्होंने चाहे जो कुछ भी गलत किया हो, तुम गलत मत करो। गलत इंसान के साथ इंसाफ करना बड़प्पन इसी में होता है। बढ़िया माँ यही रहेंगे। किस हक से? अब सब जानते हैं कि इस घर का बड़ा बेटा मैं, और मैं इन्हें यहां रहने की इजाजत नहीं दूंगा। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम बड़े पापा के बेटे हो और तुम्हारे इस घर पे आदेश से कहा गया, पर याद रखना, मेरे पापा भी इस घर के बेटे थे, तो मतलब इस घर पे मेरा भी आधे हिस्से का हक है। बड़ी अम्मा को मैं अपने पास रखूंगा, और यह हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और याद रखना, खून के रिश्ते से हम कजिन्स हैं, लेकिन अगर मेरे परिवार के साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो जिंदगी भर ये दुश्मनी निभाऊंगा मैं। जा रख ले अपने साथ इन्हें, लेकिन एक बात याद रखना, कारोबार में इनकी कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए मुझे। समझा देना इन्हें। जगह सिर्फ इस घर में मिली बढ़िया माँ, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए जो जगह थी वो अब नहीं रही। ना,
हूं स्वेतिका, जब किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया था तो तुमने यकीन किया मुझ पर। जो सही है वो सही है। आज तुमने इस घर में तुम्हारी माँ को उनका दर्जा दिलवाया, उनसे किया हुआ वादा तुमने पूरा किया, अब तो तुम्हें राहत मिल गई होगी ना। हाँ, बहुत सालों बाद ऐसा लग रहा है कि आराम से सांस ले सकता हूं। पर इससे तुम्हारी गलतियां सही नहीं हो जाएंगी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तुम्हारे अंदर अच्छाई नजर आई थी, इसीलिए इस लड़ाई में मैंने तुम्हारा साथ दिया था। मैं ये भी जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, कहीं ना कहीं वो तुम्हारे अंदर का गुस्सा था। पर अपने अतीत का गुबार मुझ पर निकालना गलत है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक कह रही हो तुम। बार बार मैंने तुम पर जुल्म किया, बार बार माफी मांगी और फिर से वही गलती दोहराई। मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं था वेदिका, मगर इस सबका कारण मेरा अतीत नहीं था, एक और वजह थी, साहिल का दीवानापन। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं वेदिका, मगर साहिल के पागलपन को देखकर कहीं मेरे दिल में ये डर बैठ गया था कि शादी होने के बावजूद भी मैं तुम्हारा प्यार हासिल ना कर पाऊं और तुम्हें खो दूं और तुम मुझसे दूर ना चली जाओ। मैं जानता था कि साहिल झूठ बोल रहा है और उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है, मगर एक सच्चाई और है वेदिका, कि मैं तुम्हारा पति हूं और मैं चाहता हूं कि ये सच्चाई कभी खत्म ना हो, हमेशा बनी रहे। एक बार और माफी मांगकर मैं तुम्हारी तौहीन नहीं करना चाहता, मगर तुम मुझे माफ कर दोगे? मेरे लिए सबसे ऊपर सही और गलत है, फिर चाहे वो तुम हो या साहिल। क्या बात कर रहे हैं जीजू, मतलब यश जिसको हम कमीना समझते थे वो सच्चा निकला और बड़ी अम्मा इतने सालों से हमें उल्लू बना रही थी। अरे वाह, फिर तो हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकले, मैं भी छूटी और बड़ी अम्मा भी छूटी। ओके बाय। अब आएगा मजा, अग्रवाल हाउस से उस बुढ़िया का राज तो खत्म हो चुका है, अब वो मुझे वहां वापस आने से रोक नहीं पाएंगे। अरे वाह, जो जहर मैं श्रुति के खाने में मिला रही हूँ वो अपना असर दिखा रही है। हाँ भैया, खबर एकदम सच है। अरे वो बड़ी अम्मा नहीं, धोखा धड़ी अम्मा है। एक मिनट, हेलो। अरे अपने ही परिवार को इतने सालों से धोखा देती आई है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट। अरे हेलो। हाँ, जब अपनों ने ही कालिक पोत दी है उसके मुंह पर तो दुनिया के सामने क्या मुंह लेकर निकलेगी वो बेचारी। एक मिनट। ओ, ये टीवी और अखबार वालों ने तो फोन कर कर हमें परेशान कर रखा है सच में, लेकिन बेचारे करेंगे भी क्या है? जब से तेरी पोल खुली है ना, तब से सबको पता चल गया है कि अग्रवाल खानदान का असली चिराग हमारे दामाद जी हैं और वेदिका यहाँ की बड़ी बहू, तो इस लिहाज से तो हम ही इस घर के बड़े हुए ना।
चल बुनकर राख हो रही है क्या? अरे लो, फिर से फोन आ गया। एक मिनट, हेलो। अरे जी न्यूज से फोन है, ले खुद खुद ही बात कर ले। चल बात कर ले। अरे बता दे उन्हें कि कल तक जो इस घर की मालकिन थी, आज उसे यश के टुकड़ों पर पलकर कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बताइए बताइए, कैसा महसूस करें दुनिया जाकर? नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी इस अकड़ को ना पोटली में बांध कर गंगा में बहा दे। अब इस घर में तेरी कोई औकात नहीं रही। हाँ, अरे औकात से याद आया, खा गई तेरी काफी। सुन, यश हुआ यहाँ का मालिक है ना, और उसकी बहू वेदिका की माँ है हम, तो उस लिहाज से अब ये चाबी तेरी कमर पे नहीं, हमारी कमर में लटकेगी। हम कहलाएंगे यहाँ की बड़ी अम्मा। जो लांछन तूने हमारी बेटी पर लगाई थी ना एक दिन, वो पलट के तेरे मुंह पर लगी है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। वेदिका जी, मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूं जो कुछ मैंने किया गलत किया, लेकिन उसके पीछे वजह थी। वेदिका जी, क्या वजह थी? झूठ बोला तुमने, बच्चा बनने का नाटक करके बेवकूफ बनाया तुमने मुझे, मेरे जज्बात, मेरी दोस्ती का मजाक बना दिया। ये सब तुम्हारे लिए खेल था ना, पर इस सब में बेवकूफ कौन बना? मैं, हमेशा की तरह। अगर किसी और ने मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं की होती ना, मैं हैरान नहीं होती, पर तुमने वही किया जो औरों ने किया। नहीं, सॉरी, कुछ मत कहना साहिल तुम, क्योंकि मैं और झूठ नहीं सुन सकती। दरअसल ना, शुरू से ही तुमने मुझसे झूठ कहा है। तुम मेरे घर किरायेदार बन के आए झूठ बोल के। शादीशुदा हूं मैं, एक बीवी है मेरी, बहुत सुंदर सी। तुमने आर्या को मुसीबत में डाला झूठ बोल के। अरे आर्या अपने दोस्त के घर गई वेदिका जी, एक घंटे की परमिशन दी मैंने उसे। तुम्हारी लौंडिया खुलेआम पूरे मोहल्ले में बेशर्मी फैला रही है, और अभी भी बच्चा बनने का नाटक कर रहे थे तुम। यश ने बार बार मुझसे कहा कि साहिल झूठ बोल रहा है वेदिका, लेकिन मैं हमेशा उसके खिलाफ गई, और आखिर में वो सही साबित हुआ और मैं गलत। ओके फाइन, मैंने आपको झूठ बोला, लेकिन मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं आपसे प्यार करता हूं वेदिका जी, और मैं कभी आपको जानबूझ के चोट नहीं पहुंचाने वाला। मैं आपसे इतना प्यार करता हूं वेदिका जी कि हर फीलिंग समझ जाता हूं मैं आपकी। आप क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं, कुछ ना कहकर भी समझ जाता हूं कि आप क्या कहना चाहती हैं। इतना प्यार करता हूं मैं आपसे। उस दिन यही जब मैंने आपको प्रपोज किया, यश ने हमें घर से निकाल दिया, और उसके बाद क्या हुआ? आपने जाके यश कुमार के साथ शादी कर ली। क्यों? मैंने अग्रवाल का जो कुछ भी छीना है वो लौटा दूंगा, और ये सब तब होगा जब तुम मुझसे शादी करोगी वेदिका। मैं आपसे बार बार ये पूछता गया कि वेदिका जी मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन आपके पास तो कोई जवाब ही नहीं था। इतना बड़ा सच आपने मुझसे क्यों छुपाया? शादी जैसा इतना बड़ा कदम उठाना वेदिका जी, और आपने ये बात मुझसे छुपाई, और फिर आप मुझसे सच की उम्मीद कर रही हैं, और ये पहली बार नहीं जब आपने मुझसे झूठ कहा वेदिका जी। निधि से शादी करवाए,
यश की मंगेतर बनके इस घर में आई आप। अब से मैं इस घर में रहूंगी, यश कुमार की मंगेतर, अग्रवाल खानदान की होने वाली बहू बनके। उसकी पत्नी बन गई और क्या कहते रहे आप मुझे कि साहिल मैं झूठ इसलिए बोल रही हूं ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। तो जब मैंने आपको बचाने के लिए झूठ बोला वेदिका जी, मैं कौन से एंगल से गलत हूं बोलिए। हां मैंने एक्टिंग की वेदिका जी, बच्चे बनने की एक्टिंग की, क्योंकि मेरा दिल टूट गया था। मेरे झूठ के पीछे मेरा प्यार है वेदिका जी, पर आपके झूठ के पीछे क्या है? मैं तो खुल के कहता हूं वेदिका जी कि मैं आपको पाना चाहता हूं, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकती हैं? तो आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? मुझे चोट पहुंचाने के लिए, तकलीफ देने के लिए? मुझे अगर उस रात आपकी कजन सिस्टर नहीं आई होती ना वेदिका जी, तो मैं तो मर गया होता। लेकिन मरते मरते आपको एटलीस्ट ये तो कह सकता कि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं झूठा अपना प्यार पाने के लिए वेदिका जी, पर आप झूठी किसके लिए? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने शादी अपनी मर्जी से की है, सौम्या के लिए, आर्या के लिए, माँ के लिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी कोई वजह है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकती। रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। खुशबू हवाओं में थी तुम थे या रंग सारी दिशाओं में थे। चल दिए तुम कहां हम कहां। और फिर चल दिए तुम कहां। प्यार तो दीपी बहुत करती है साहिल से, चाहे वो कितना ही छुपा क्यों ना ले, पर पंगा ये है कि दी कुछ ज्यादा ही समझदार है, एक एक स्टेप सोच सोच के लेती है। कुछ करना पड़ेगा बॉस, सादिका की लव स्टोरी को पूरा करना पड़ेगा।
सोच भूमि सोच। यस। देख खुद से तो कूदने से रही, अब मुझे ही धक्का मारना पड़ेगा, तभी तो ये नामुमकिन लव स्टोरी मुमकिन होगी।